बट माई चैनल एंड एन अदर ब्लॉग. सो मेरे फोन में सिर्फ 2% ही बैटरी है एंड हम लोग को बहुत सारे वीडियो शूट करना है. मतलब ये दुकान लॉकडाउन में खुला था, जब लॉकडाउन था ना तब ये दुकान खुला था. एंड मतलब जब इसका उद्घाटन था उसके पहले ही मैं चली गई थी यहाँ से. तो हम लोग को ये कंटेंट मिला है बनाने के लिए, अपने वीडियो में मेंशन करने के लिए. तो आज का कंटेंट यही कि आज हम लोग अपना दुकान चलाएंगे. हम लोग को सबसे अच्छा लगता है हम लोग खरीद के नहीं खा सकते बिकॉज यहाँ जो हम लोग नहीं खरीद के साथ शॉपकीपर कैसे शोभा नहीं देता. सो अभी एक लड़का बताएगा जिसको गाय थोड़ा सा यहाँ पर मार दी है. मेरे दोस्त हुआ उससे गाय मार दी, उसी को मारी और मेरी साइकिल लेके भागता है, गिर जाता है. आज बहुत बड़ा वाला प्रैंक हुआ. मतलब मैं इमेजिन लेस था, मतलब मैं कल्पना भी नहीं कर सकती ऐसा वाला प्रैंक हुआ था मेरे. मतलब मैं पूजा करने गई थी दुकान पर, जैसे पूजा वूजा करके अपना फोन में वहीं पर रख दिया. फिर जब मैं भूल गई थी वहाँ से लाने के लिए. एंड जब मेरे को याद आया कि मुझे अपना फोन का जरूरत है, सो मैं अपना फोन पूरा चारों तरफ ढूंढ रही थी. मैं तानिया कुछ पूरा तीनों ढूंढने में लगे थे फोन. एंड फिर जब तानिया कॉल की तो कोई एक लेडी, मतलब कोई उठाया फोन. तो मैंने याद आया कि मैं दुकान पर फोन लेकर गई थी. सो मैं वहाँ पर गई ढूंढने के लिए, तो मामी जी बोल रही हैं कि नहीं आपका फोन तो यहाँ पर नहीं है. तो मतलब कि नानी, मामी, बबल की आंटी थी, वो तीनों मिलकर मेरे साथ प्रैंक की. तानिया कॉल की, फिर वो पता है वो मामी जी ने अपना मतलब कि मेरा फोन स्टॉल में छिपा कर रखी हुई थी. एंड फिर तानिया जैसे कॉल की आवाज़ आया तो मैं बोला कि आप ही के पास मेरा फोन है तो दे दीजिए. मतलब कि मतलब मैं पूरा स्टार्ट ही हो जाती रोने के लिए. बट ये कुछ मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प की तीनों जन. तानिया देखो कुछ काची कर रहा है, बड़की दीदी. तो ये कृति मामी जो अभी बाबू को रेडी कर रही है, पता नहीं कहाँ जा रहा है. घूमने जा रहा है, घूमने नाचना करके नाचने जा रहा है, नाचने शर्मा रही है. नहीं बोल मैं एक और अपनी मामी से मिलाना चाहूंगी और वो ये है जिनका नाम है ना मौसी, जो मैं मौसी से मिलाना भूल गई थी. वो सो हाउ इज योर फीलिंग नाउ? बहुत अच्छा. कुछ मौसी का कुछ दिन में शादी हो जाएगा, सो अपने घर चली जाएंगी वो. सो अभी ये थोड़ा सा डेमो क्लास है. सो मैं आज अपने अपने नानी घर से जा रही हूँ अपने घर. हाय परी. फिर से कीजिए. फिर से कीजिए. ठीक है बब्बी. हाय सुगी. सुगी कर लेते हैं.
वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अनदर ब्लॉग। हम लोग अभी कोडरमा पहुंच गए हैं, अभी 10 बज रहा है। मैं ब्लॉग शूट करती हूँ और अचानक देखा तो यहाँ पर, मतलब अचानक देखी तो मम्मी थी नहीं वहाँ पर, बस चल सुबह किडनैप तो नहीं कर लिया, बट ये उधर जाके खड़ी हो गई। बाय हजारीबाग, सॉरी कोडरमा। सो मेरी ट्रेन आ गई, अभी हम लोग पटना पहुँच गए एंड मैं अभी ट्रेन देख रही हूँ यहाँ पटना से अभी यहाँ जाने की, मतलब कौन सी ट्रेन आएगी इस बार। एंड यू नो व्हाट, ये जो आने जाने वाला सिस्टम है ना बहुत ज़्यादा ही खराब, बिकॉज अगर आप कहीं जा रहे हो तो वहाँ पर आपको जाने का मन नहीं करेगा, अगर वहाँ पर चले भी गए तो वहाँ से आपको आने का मन नहीं करेगा। एंड ये जो टाइम लगता है ना ट्रैवल करने में, यही मेन रीज़न है आने, मतलब कि आने का मन नहीं करता है। एंड मैं तो ट्रेन में थोड़ा बहुत सो भी गई थी, बिकॉज जब ट्रेन ऐसे ऐसे मिलता है तो थोड़ा बहुत नींद आ ही जाता है, इट्स वेरी कॉमन। एंड मैं अपना ब्लॉग प्रॉपर शूट नहीं कर पाई बिकॉज मेरे को टाइम ही नहीं मिला। आई नो मैं अपना हर ब्लॉग में ऐसे ही बोलती हूँ, बट रियली मेरे को खुद नहीं पता था कि आज हम लोग आने वाले हैं, मतलब मम्मी सडनली आई और बोल रही कि चलो आज जाना है। मैं जल्दी से उठी और रेडी, जल्दी रेडी हुई एंड फाइनली हम लोग आ गए। एंड जल्दी के चक्कर में मैं सबसे अच्छा से मिल भी नहीं पाई एंड सबको, मतलब कि अच्छे से प्रणाम भी नहीं कर पाई एंड ब्लॉग भी शूट नहीं कर पाई, सो अच्छा से ये सब नहीं हो पाया। तो अभी हम 7:30 बजे इंडिया, मतलब अपने घर पहुँचे, मतलब अपने घर नहीं मतलब इंडिया में पहुँचे हैं। एंड तो फाइनली बाय मामी लोग, ऑल्सो मामा लोग, मतलब मामा विद देयर चाइल्ड्स। एंड ये अभी कब आए सिर्फ मेरे नानी घर के लोगों के लिए, ओके। तो अभी हम लोग ऑटो में हैं, यू कैन वॉच टोटो में, हम लोग घर के बगल ही वाले टोटो है जो मिल गई, किस्मत से मिल गई। अभी हम लोग जाएंगे घर, देन इसके आगे मैं अपना ब्लॉग शूट करूँ। सो अभी के लिए बाय, अपने घर पहुँच गए। सो आप लोग देख सकते हो मैं सलोनी आ गई, हम लोग का दरवाजा खोल देंगे पूरा गमला उमला के साथ आई है। पता है सलोनी यहाँ पे घर में अकेली है, बिकॉज अंकल सोनी आंटी तीनों जन चले गए हैं यहाँ से, एंड ये पूरे घर में अकेली थी सलोनी और अमन जो अभी भोजनालय कर रहा है। हाय श्रेया, इट्स मी।